हेलो एवरीवन, इट हमेशा पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क और बिना ज़्यादा मेहनत के। हम इसको झटपट से मिनटों में बना करके तैयार करेंगे और आज हम इसे जिस तरह से बनाएंगे उससे ये एकदम सॉफ्ट, टेस्टी और एकदम हलवाइयों की तरह बन करके तैयार होंगे। तो अगर आप इसे इस तरह से बनाना सीख जाएंगे तो फिर कभी भी आप बाजार से इसे लाना नहीं पसंद करेंगे, हमेशा आप इसको घर पर ही बनाना चाहेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये नारियल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है देसी घी, और घी को हम कढ़ाई में गर्म करेंगे। तो कढ़ाई में मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और गैस फ्लेम मैंने स्लो पर रखी है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही घी इसमें यूज़ होगा तो देसी घी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही घी पिघल जाएगा इसमें हम डालेंगे 3 कप नारियल का बुरादा। यहाँ पर मैंने 250 ml वाला जो मेजरिंग कप होता है उससे 3 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और ये आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, सूखा नारियल का बुरादा है ये। तो इसको आप किसी एक ही कप या कटोरी से लेकर भी बना सकते हैं। और इसको हम पहले अच्छे से घी के साथ मिला लेंगे, और पूरा टाइम हमें गैस फ्लेम स्लो पर ही रखना है क्योंकि आज हम नारियल के लड्डू बना रहे हैं। और इसमें जो डेसिकेटेड कोकोनट हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही जल्दी से जलने लगता है। अगर आप गैस फ्लेम को तेज रखेंगे तो फिर ये जल जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो स्लो आँच पर ही हम इसको 1 मिनट के लिए पहले भून लेंगे। तो ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और यहाँ पर जो नारियल का बुरादा है अब अपना कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे नारियल के लड्डू है उसमें मावे जैसा स्वाद लाने के लिए, मावे की कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो इसमें मैं 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। जिस कप से मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है उसी कप से मैं मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें। आप अगर कटोरी से ले रहे हैं तो उसी कटोरी से आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे की कमी पूरी हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे कि नारियल के बुरादे के साथ ही 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे ये खाते टाइम पर दांतों में नहीं चिपकेगा। और कई बार ऐसा होता है कि मिल्क पाउडर की जो मिठाइयाँ हम बनाते हैं वो दांतों में चिपकती है, तो इसको अगर थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर ये शिकायत भी नहीं होगी। तो अच्छे से चलाते हुए इसको भूनना है। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको हम ज़रा सा छोड़ देंगे तो ये जल सकती है। तो अच्छे से चम्मच से नीचे से उठाते हुए हम इसको चलाएंगे, और हो सके जितनी स्लो पर आप गैस फ्लेम को रखें। अब जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे वैसे वैसे नारियल के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो रिलीज होने लगेगा। पर इसमें हमने जो मिल्क पाउडर डाला है उसमें फैट नहीं होता है, और उसमें उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम 1 चम्मच देसी घी इसमें और डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो इन दोनों को ही साथ में भुनने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी है। और यहाँ पर जो नारियल का बुरादा है ये अब अच्छे से भुन गया है, काफ़ी ज़्यादा खिला खिला सा ये हो गया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। साथ ही साथ इसकी भुनने की जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो जब ये इस तरह से हो जाए कि इसमें से खुशबू आने लगे तब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है, अच्छे से हाथों में ये मैश हो रहा है, मतलब कि ये अब कच्चा नहीं है। तो इसी स्टेज तक हमें इसको भूनना है, और इसका कलर भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना होता है। तो अब हम इसके बीचों बीच इस तरह से जगह बना लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। यहाँ पर सभी चीज़ें लेने के लिए मैंने 1 ही कप का यूज़ किया है, आप भी किसी 1 ही कप या कटोरी से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये 1 कप यानी कि 250 ml दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और कच्चा गरम क्या हुआ जैसा भी दूध हो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे से हम इसको इसमें मिलाएंगे, और जो जो चीज़ मैं आपको जितनी क्वांटिटी में बता रही हूँ उतनी ही अमाउंट में आपको भी यूज़ करनी है, ताकि क्या होगा कि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट आपके नारियल के लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिलाने के बाद कोकोनट ने सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है, और लेकिन अभी ये काफ़ी गीला गीला सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब हमें इसमें चीनी डालनी है। तो अगर आप इसमें इसी टाइम पर चीनी डाल देंगे तो फिर आपको इसकी बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी होगी, क्योंकि इस स्टेज पर चीनी डालते ही ये पानी छोड़ देगा और वो पानी आपको सुखाना होगा।
अगर आप सही से नहीं सुखाएंगे तो फिर लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो हमें ये करना है कि धीमे आंच पर ही अच्छे से चलाते हुए पहले जो दूध है उसका सारा मॉइस्चर हम सुखा लेंगे और बस 1 मिनट ही इसमें लगेगा। और ये देखिए हमारा जो मिश्रण है वो इस तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बिखरा बिखरा दिख रहा है और जितना भी जो दूध इसने अब्जॉर्ब किया था वो भी सूख चुका है और ये अब एकदम सही स्टेज है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं नारियल के लड्डू में 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा कम या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी को घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। और बस चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये चीनी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है और अब ये थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है, जिस वजह से हमारा जो मिश्रण है ये थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा होने लगा है। तो बस इसका यही गीलापन हमें सुखाना है। और क्योंकि हमने अच्छे से इसको पकाने के बाद चीनी डाली है तो इसने पानी नहीं छोड़ा है, बस ये जो गीलापन है इसको हमें सुखाना है। और जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा बस तब तक ही हमें इसको कुक करना है। अब नारियल के लड्डू का जो स्वाद है वो नारियल की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें किसी भी तरह का अलग से फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब हम घर पर बना रहे हैं और घर पर मिठाइयाँ बना रहे हैं तो अपनी पसंद से उसमें हेर फेर हम कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 4 इलायची को क्रश करके डाल रही हूँ। मैंने इलायची को कूट कर इसमें डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर केवड़े का पानी भी आप डाल सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक। बस इसको मिला लेंगे और ये देखिए अब आप इसका टेक्सचर देखिए। एक तो ये मिश्रण काफ़ी अच्छे से कढ़ाई को छोड़ रहा है, कढ़ाई में इकट्ठा हो रहा है और जब मैं इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से सेट भी हो रहा है, मतलब कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो बस अब हम तुरंत गैस फ्लेम को बंद करेंगे इससे पहले कि ये अपना कलर चेंज कर ले और हमारे सफ़ेद नारियल के लड्डू का कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाए। तो फटाफट से मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इस मिश्रण को हम कढ़ाई में से निकालकर थाली या प्लेट में रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये लड्डू का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ही आप इसके लड्डू बनाना शुरू करें, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गर्म होगा तो उस टाइम पर इसके लड्डू सही से नहीं बनेंगे और बनाते बनाते ही उसकी शेप खराब होने लगेगी, लड्डू चपटे होने लगेंगे। तो पूरी तरह से जब ये ठंडे हो जाए तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। और लड्डू बनाने के लिए हमें हाथों पर कोई भी घी तेल या चिकनाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस भी साइज में आपको ये लड्डू बनाने हैं आप बना सकते हैं। और अच्छे से इसको हम इस तरह से हाथों के बीच में दबाते हुए लड्डू की शेप देंगे और लड्डू को एकदम गोल करने के लिए हम इसे इस तरह से हाथों में हिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको चलाएंगे ताकि इसकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए और एकदम गोल गोल सा हमारा लड्डू बन जाए। और देखिए ये हमारा लड्डू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब हम ठीक इसी तरह से अपने सारे नारियल के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर आप इन लड्डू को कुछ दिनों के लिए बनाकर रखना चाहते हैं तो बनाने के बाद आप इसे 2 घंटों के लिए पंखे की हवा में रखें ताकि ये थोड़े थोड़े से ड्राई हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तब आप इसे आराम से 10 दिनों तक रख सकते हैं और बाहर रखेंगे तो 2 से 3 दिनों तक रख कर आप इसको खा सकते हैं। और जब भी मीठा खाने का मन हो तो ये नरम नरम से नारियल के लड्डू खाएं। सभी लड्डू की साइज एक बराबर हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आप कोई बड़ा एक स्पून ले लीजिए, मेजरिंग कप ले लीजिए छोटा वाला, और उसे इस तरह से मिश्रण से भर लीजिए और एकदम बराबर हिस्सा इसका आपको मिल जाएगा और फिर जो भी लड्डू बनेंगे वो एक बराबर साइज में होंगे। तो ये देखिए ये मैंने सारे नारियल के लड्डू बना लिए हैं और आप देखिए करीब से देखिए बहुत ही अच्छे ये दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ये बन गए हैं। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और फाइनल टच देंगे। तो प्लेट में मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऑयल लिया है और इसे हम इस तरह से इसमें लपेट लेंगे, कोट कर लेंगे इस तरह से और फिर अपने इन नारियल के लड्डू को हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बनकर तैयार है खाने के लिए। और अगर आप इस तरह से बने हुए लड्डू एक बार खाएंगे तब आप बार बार इन्हें इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और जैसे जैसे इनको हवा लगेगी थोड़े थोड़े से ये ड्राई होंगे वैसे वैसे इनका टेक्स्चर और भी ज़्यादा अच्छा आता जाएगा। तो आप भी इन नारियल के लड्डू को इस तरह से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे।
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ई टी एमिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस नारियल के लड्डू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ई टी एमिशस।